सच जरूरी है। सालगिरह पर पत्नी कर रही थी गिफ्ट का इंतजार, पति ने सिर पर किए तवे से वार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। हरियाणा के हिसार में शादी की सालगिरह पर पत्नी गिफ्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी बात पर विवाद होने पर पति ने उसके सिर पर तवे से वार कर घायल कर दिया। घटना शनिवार सुबह रोहतक के पहाड़ा वाला मोहल्ला की है। रविवार को महिला के मायके वाले उसे हिसार के नागरिक अस्पताल में ले आए, जहां महिला के सिर में 5 टाके लगाए हैं। अस्पताल में उपचाराधीन शहर के राजकीय कॉलोनी निवासी महिला आशु ने बताया कि 22 साल पहले रोहतक निवासी ठेकेदार रविंद्र के साथ शादी हुई थी। कुछ समय से पति छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता आ रहा है। 9 बार पहले भी मारपीट कर घायल कर चुका है, उसके बाद समझौता कर लेता है। महिला ने बताया कि 25 फरवरी को शादी की सालगिरह थी, तो पति से गिफ्ट मिलने का इंतजार कर रही थी। पानी की रॉड से लेकर हुआ था विवाद। घायल आशु ने बताया कि सुबह बच्चों ने पानी गर्म करने के बाद रॉड को खिड़की पर रख दिया। कुछ देर बाद पति आया और खिड़की में रॉड को देख कहने लगा कि इसे खुंडी पर क्यों नहीं टांगा। इसी बात को लेकर मारपीट करने लगा। बेटे ने बीच बचाव किया तो उसके साथ ही भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने उसके सिर पर तवे से वार कर दिया। पुलिस को सूचना दे दी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंस्पेक्टर महेश दुबे के खिलाफ रेप केस दर्ज, एसीपी ने की थी मामले की जांच। लखनऊ में थाना इंचार्ज पर महिला के साथ रेप करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा एसीपी की जांच के बाद दर्ज किया, जिसमें आरोपी थाना इंचार्ज और उसकी पत्नी शामिल थे। आरोप था कि महिला से दोस्ती करने के उसका रेप किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर महेश दुबे पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कृष्णानगर कोतवाली में थाना प्रभारी के पद पर तैनात रहने के दौरान आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती की थी, जिसके बाद उसका रेप किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया गया था। इसमें आरोपी इंस्पेक्टर को भी पत्नी शिखा पांडे का साथ मिला था। वीडियो के आधार पर महेश दुबे ने कई बार पीड़िता के साथ गलत काम किया था, जिस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई थी। इसकी जानकारी जब आरोपी की पत्नी को हुई तो पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाने जाने लगा था। बच्ची को लेकर आरोपी हुआ था फरार। पीड़िता के मुताबिक उसने बच्ची को जन्म दिया था। उस दौरान आरोपी कृष्णानगर कोतवाली का प्रभारी था। बेटी के जन्म की भनक इंस्पेक्टर को लग गई थी। फिर एक दिन वह घर आया और बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। यही नहीं, आरोपी पति पत्नी आए दिन बच्ची का फोटो भेजकर धमकाते रहते थे कि यदि किसी से शिकायत की तो बच्ची को मार देंगे। कमिश्नर से की शिकायत, उसके बाद हुई जाँच। पीड़िता के मुताबिक धमकियों से तंग आकर उसने पुलिस कमिश्नर से अपने साथ हुए अत्याचारों की शिकायत की थी। इस पर कमिश्नर ने इसकी जांच एसीपी महानगर को सौंपी थी। जांच में महेश दुबे पर लगाए आरोप सही पाए गए। इसके बाद विकास नगर थाने में थाना प्रभारी महेश दुबे और उसकी पत्नी शिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। विकास नगर इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 323, 328 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विवादों में रहा है आरोपी इंस्पेक्टर महेश दुबे। लखनऊ के कई थानों में तैनात रहे इंस्पेक्टर महेश दुबे का कार्यकाल हमेशा विवादों में रहा है। कृष्णानगर थाने में ही तैनाती के दौरान ओला कैब ड्राइवर की एक महिला ने पिटाई कर दी, जिसके बाद पूरे देश में महिला की आलोचना हुई और हंगामा बरपा था। लेकिन इसमें तत्कालीन कृष्णानगर इंस्पेक्टर दुबे पीड़ित ओला ड्राइवर की गाड़ी थाने ले गया था और फिर घूस लेकर उसे छोड़ दिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी बेटी के जन्म से नाराज पति ने पत्नी को डंडों से पीटा, पिता ने दर्ज करवाया मामला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की शर्मनाक खबर सामने आई है। जिले के अजगैन क्षेत्र में दूसरी बेटी के जन्म से नाराज पति ने पत्नी को डंडों से जमकर पीटा। पीठ पर चोटों के निशान पर्वता को बयां कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर घायल महिला की फोटो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता
से तहरीर लेकर पति सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता सुषमा की शादी 3 साल पहले हुई थी। जानकारी के मुताबिक अजगैन क्षेत्र के भोली गांव निवासी श्यामलाल ने अपनी बेटी सुषमा की शादी 3 साल पहले 28 जून 2020 को माखी क्षेत्र के खड़हरा गाँव निवासी दीपू पुत्र सतनु से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही कम दहेज लाने का उलाहना देकर बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा। बेटी की जगह बेटी ने जन्म लिया तो प्रताड़ना और बढ़ गई। 1.5 महीने पहले दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो दामाद और ससुरालीजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दहेज एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज। शनिवार को दामाद दीपू ने बेटी सुषमा को डंडों से बेरहमी से पीटा, जिससे वह लहूलुहान हो गई। एएसओ राम आश्रय चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पति पिता की तहरीर पर पति सास व ससुर पर मारपीट व दहेज एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहे एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।